दुला भाई हमारे पास 325 वाट के सीकर में पैनल आया है, ठीक है, और वो बाइक पिक्चर है, दोनों साइडों से काम कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली चेक किया, उसके ऊपर तीन पंखे बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, तीन पंखे चल रहे हैं माशाल्लाह। ये जी हमारे पास प्लेट है जो उमर भाई हमारे लिए लेके आए, जैसे की आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा, 325 वाट में जापान सोलर के नाम से ये पैनल है। मुकम्मल आपको सोलर पैनल दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इसी वीडियो में चला के दिखाते हैं जी कौन कौन सी चीजें एक सोलर पैनल के ऊपर चलती है। जी 3:30 हो गए, 3:30 इस वक्त हुए हैं जी, इस वक्त हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ये प्लेट आप देख सकते हैं, चले उमर भाई फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया जाए। ये देखिए जी आप प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जी, अभी जो टाइम है हमने आपको बता दिया उमर भाई 3:00 3:30 है जी। देखिए ये मोबाइल के ऊपर टाइम भी आ रहा है, ये देखे जी 3:33 हो चुके हैं अभी आपको नजर आ रहा होगा भैया। ये डीसी कूलर है जो आगे गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में ये ठंडा मजा। अच्छा उमर भाई ये भी 12 वोल्ट पे, ये भी 12 वोल्ट में है बिल्कुल। दुकानदार हजरात भी इधर रब्ता कर सकते हैं जी, ये जो रेट बताया है ना इनसे भी थोड़ा सा नीचे इंशाल्लाह उमर भाई आपको मोहब्बत करेंगे दुकानदार भाइयों के लिए। बिस्मिल्लाह। बहुत सारे लोग मैसेज बार बार कर रहे थे सर एक सोलर पैनल के ऊपर किन्ने असं पखे चला सकते हैं, किन्नी लाइटा चला सकते हैं, और रूटीन वाइज असं अपनी बैटरी दिन के वक्त चार्ज करते हैं रात को कितना बैकअप ले सकते हैं, उन्होंने मुकम्मल इस वीडियो के सवाल जवाब आ चुके हैं। उमर भाई साहब मौजूद है, अब असं प्रैक्टिकल इन्हों के गोदाम के उपर पहुंचे हैं, सोलर पैनल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तरीके चेक किया जाएगा। अज की वीडियो के कंप्लीट वीडियो में देख के जाओ, बहुत सारे लोगों ने दिल के सवाल है कि एक सोलर पैनल कितनी चीजें चल सकती वा, अज उन्होंने सवाल खत्म हो जाएगा। साढ़े को सोलर पैनल मौजूद है, छोटी तो छोटी सोलर पैनल खरीदते हैं तुम किन्ने पखे के उपर चला सकते हैं। उमर भाई को इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल गल करते हैं, आज अज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या ठीक ठाक है? उमर भाई सबसे ज्यादा जो सवाल है ना, मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी उसके अंदर यही है कि यार एक सोलर पैनल के साथ हम कितनी चीजें चला सकते हैं, मैक्सिमम जो लोगों का बजट है ना वो इतना ही है एक सोलर पैनल का। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा ना नाज़रीन को बता दिया जाए और इस वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको चेक करवाया जाएगा। उमर भाई ये बताया की आप अपने पास कौन सी सोलर पैनल और कितनी इसके ऊपर चीजें चल सकती है। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई हमारे पास 325 वाट के स्पीकर में पैनल आया है, ठीक है, और वो बाइक पिक्चर है, दोनों साइडों से काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली चेक किया, उसके ऊपर तीन पंखे बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहे। अच्छा तीन पंखे चल रहे हैं माशाल्लाह, ये पोटेंशियल तीन पंखे चल रहे हैं, आप सीलिंग वाले लगाते हैं वो भी तीन पंखे बेहतरीन चलेंगे। ठीक है ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकली खुद चेक किया है और चेक करने के बाद हम आपको बकायदा ये पूरा शो भी करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और इसकी बैक साइड से ऊपर भी आपको हम पंखा लगा के दिखाएंगे, उसके ऊपर भी पूरी स्पीड से। बिल्कुल ठीक है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको सोलर पैनल दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इसी वीडियो में चला के दिखाते हैं जी कौन कौन सी चीजें एक सोलर पैनल के ऊपर चलती हैं। जी चले जी उमर भाई हमारे साथ, ये बल्कि उन भाइयों के लिए जिनके पास छत में जगह नहीं है वो एक पैनल लगाएं, एक पैनल के साथ एक 100 एम्पीयर की बैटरी लगाएं और दो पंखे उनके इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिन रात चल जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, चले जी शुरू करते हैं जी, उमर भाई हमारे साथ हैं जी। ये जी हमारे पास प्लेट है जो उमर भाई हमारे लिए लेके आए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा, 325 वाट में जापान सोलर के नाम से ये पैनल है। इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मुकम्मल आपको बाद में हम इसको उतार के इसके एम्पेयर भी चेक करवाएंगे, अभी इस वक्त हम आपको प्रैक्टिकली चला के चीजें चेक करवा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके ऊपर इस वक्त में चल सकती है। माशाल्लाह ये है जी इसका फ्रेंड है। अभी उमर भाई क्या टाइम हुआ इस वक्त? अब्दुल्ला भाई इस टाइम आपके सामने ये 3:30 हो गए, 3:30 इस वक्त हुए हैं जी, इस वक्त हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ये प्लेट आप देख सकते हैं हाफ कट मोनो पर के अंदर ये प्लेट है जी, ठीक है, जैसे बड़े पैनल होते हैं। चले उमर भाई फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया जाए। ये देखिए जी पहले नाज़रीन को इधर से दिखा दिया जाए, ये इधर देखिए जी हमने टेप तो हमारे पास नहीं थी, हमने डायरेक्ट जो है ना इसके ऊपर ये तारें लगाई है जी नफी जमा वाली, ठीक है, हम अब आपको दिखाते लेके जा रहे हैं। ये हमारी वायर जा रही है, ये वायर इधर से हमने बांधी है क्योंकि इधर से ना वो उतरने का डर था। ये तीन पंखियां जी जो आप देख सकते हैं एक वक्त में चलने वाले, ये पेडिस्टल फैन है, असल में आप छत वाले पंखे भी इसके ऊपर चला सकते हैं और लाइटें भी चला सकते हैं, और जो नीचे एक पंखा पड़ा है इंशाल्लाह ये चौथा पंखा होगा, ये भी हम आपको चला के दिखाएंगे। और ये वायर है ना ये तकरीबन 6 mm वाली तार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखे जी ये पंखे भाई चलाने जा रहा है, चलाए जी, ये देखे जी तीनों पंखे चल रहे हैं, कोई बंदा भी ये साबित नहीं कर सकता कि ये तीन पंखे नहीं चल रहे। ये देखिए जी आप प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जी, अभी जो टाइम है हमने आपको बता दिया उमर भाई 3:30 है जी। देखिए ये मोबाइल के ऊपर टाइम भी आ रहा है, ये देखिए जी 3:33 हो चुके हैं अभी आपको नजर आ रहा होगा। ये जी टाइम इस वक्त
कितने पंखे चल रहे हैं? तीन पंखे चल रहे हैं जी। उमर भाई इस वक्त ना हम ये चेक करें कि ये तीन पंखे कितने एम्पीयर के ऊपर चल रहे हैं, ये थोड़ा सा मीटर के साथ चेक करें। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके सामने, 12.45 के ऊपर कितने पंखे चल रहे हैं जी? तीन पंखे चल रहे हैं जी आपके सामने जो नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। 12.58 यानी कि 12.5 एम्पीयर के ऊपर हम तीन पंखे इस वक्त चला रहे हैं जी। बिल्कुल, ये देखे जी माशाल्लाह, ये देखे जी, ये चौथा पंखा भी चल रहा है। और पंखों की आवाज से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी स्पीड जबरदस्त है। चार पंखे इस वक्त चल रहे हैं और कितने पे चल रहे हैं? 12.5 एम्पीयर के ऊपर। अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा स्पीड करना चाह रहे हैं तो आप एक पंखा इनसे हटा दें तो काफी ज्यादा अच्छी स्पीड हो जाएगी, वैसे भी काफी अच्छी इस वक्त स्पीड है। अच्छा उमर भाई, ये जो सोलर पैनल है 325 वाट वाला, ये कितने में हमें मिलने वाला है? ये भजन आपको स्पेशल, ये आपके वीडियो के रेफरेंस है, वैसे तो इसकी कीमत तकरीबन 24,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन हम स्पेशल डिस्काउंट करके आपको ये 21,500 में देने वाले हैं। 21,500 के अंदर आपको मिलने वाला जी सोलर पैनल, जिसके ऊपर तीन पंखे हमने लाइव प्रूफ के साथ आपको चला के दिखा दिया जी। ये इस वक्त 3:30 का टाइम है। लो जनाब, अभी हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि ये सोलर पैनल कितने हमें एम्पीयर देने वाला है। हमने प्रैक्टिकली चेक कर लिया जी, इस वक्त हम देख सकते हैं जी ये 13.5 एम्पीयर के करीब है, ये सोलर पैनल इस वक्त जनरेट कर रहा है। टाइम इस वक्त हुआ है जी 3:30 का। आप देख सकते हैं ये वही सोलर पैनल है जिसके ऊपर हमने अभी तीन पंखे आपको चला के दिखाए। अब हम पीछे से भी थोड़ा सा चेक करवा दें, बाय ऑफिशियल का मतलब जो होता है लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि पीछे से कितना काम करने वाले। ये जनाब हम पीछे से भी आपको थोड़ा सा चेक करवाने लगे हैं कि अगर आप उल्टी प्लेट को रखोगे तो हमारे पंखे चलने वाले हैं और कितने एम्पीयर इसके अंदर जनरेट होते हैं, ये लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जी इस वक्त। ये देखें जी, ये प्लेट पीछे से जो काम कर रही है उसके साथ ये पंखा चल रहा है जी इस वक्त। इसको ज्वाइन करें उसके साथ हम एम्पीयर थोड़े से चेक कर लें, ये ज्वाइन करें ना थोड़ा सा। उमर भाई ये एम्पीयर चेक करें पीछे से कितने एम्पीयर दे रही। ये देखें जी प्लेट के अगर थोड़ी सी लोकेशन ठीक की जाए तो ये थोड़े से एम्पीयर मजीद भी एक्सटेंड हो जाते हैं। ये देखें जी 9 एम्पीयर के करीब इस वक्त पहुँच चुकी है जी, थोड़ा सा नीचे करें। ये देखे जी 9 एम्पीयर इस वक्त आ रहे हैं जी पीछे से, ठीक है। ये पहली दफा पाकिस्तान में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ ये दिखाने जा रहे हैं कि जो बाय ऑफिशियल में प्लेटें होती है पीछे से भी अच्छे से वर्क करती हैं। उमर भाई ये जो प्लेट हमने लाइव सारी दिखा के चेक करवा दी भाई को, ये थोड़ा सा ना इस वक्त नाज़रीन थोड़ा सा बेताब है जी, इसमें प्राइस हमें क्या मिलने वाली है और खसूसी डिस्काउंट क्या होगा जी, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। हमने स्पेशल ये 22,000-23,000 तक ये बिकी है, ठीक है। जब ये चंद दिन पहले जब रेट नॉर्मल थे तो ये 28,000 तक भी बिकी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको स्पेशल आपके ये डिस्काउंट रेट सिर्फ आपके चैनल के रेफरेंस से और आपसे मोहब्बत से, ये देखें ये मेरे भाई को पसीना भी आ चुका हुआ है गर्मी की वजह से, सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए हम कहते हैं हम कोई भी काम करें प्रैक्टिकली करें, बिल्कुल, ताकि कोई भी कंफ्यूजन रहे ही ना। बिल्कुल उमर भाई, जो बाहरले शहर से लोग आते हैं ना वो इधर आगे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उनके लिए हम बाहर थोड़ा सा शोर आया होगा, ये थोड़ा सा माजरत है जी, आवाज इतनी अच्छी नहीं आई होगी, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली चला के सारा चेक करवा चुके हैं कि तीन पंखे इसके ऊपर चल रहे हैं, वैसे तो चार चल रहे हैं, ये भी हमने साथ ही चलाया था, लेकिन जोबन में जो चलते हैं वो तीन अच्छे से चल रहे हैं। उमर भाई अगर दो चलाने के साथ साथ एक बैटरी अगर 100 एम्पीयर वाली चार्ज की है रहेगा, वो दो आप सीलिंग वाले पंखे लगाएं छत वाले और एक बैटरी लगाएं, आपके घर का निजाम बड़ा बेहतरीन। बिल्कुल ठीक है उमर, उमर भाई क्या रेट बताया जी? 21,500 अब्दुल्ला भाई आपके रेफरेंस। बिल्कुल ठीक है जी माशाल्लाह, भाइयों ने क्वांटिटी में लेना हो तो इंशाल्लाह उससे कुछ स्पेशल डिस्काउंट। अच्छा क्वांटिटी से बात याद आई कि क्वांटिटी में मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कल अगर 100 पीस दुकानदार को 200 पीस चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएगा अवेलेबल स्टॉक, दुकानदार हजरात भी इधर रابطہ कर सकते हैं जी। ये जो रेट बताया है ना इनसे भी थोड़ा सा नीचे इंशाल्लाह उमर भाई आपको मोहब्बत करेंगे दुकानदार भाइयों के लिए और जो कस्टमर के लिए उनके साथ भी अच्छी मोहब्बत करते हैं जी, जो दूसरी सिटी में आते हैं। अल मक्का सोलर वाले उमर भाई अपनी दुकान का एड्रेस इस वक्त बता दें, नई नाजरीन उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जी, हमारा फैसलाबाद में हमारी शॉप है और जब आप घंटाघर वाली साइड पे आते हैं तो वहाँ पर एक बुआना बाजार है, एक है जंग बाजार। जंग बाजार और बुआना बाजार के दरमियान में मछली वाला गोल है, उसके सेंटर में हमारी अल मक्का सोलर के नाम से शॉप है, यूनिक का बाहर बड़ा सारा बोर्ड लगा। उमर भाई ये काफी ज्यादा ये भी कमेंट आ रहे हैं, बाद में ये भी बता दें इनका रेट क्या है। और ये जो पंखा है ये 4,000 रुपए का पंखा है, नई कॉपर वाली ब्लिनो मोटर लगी हुई है और ये मूवेबल भी है। बिल्कुल ठीक है जी, मूवेबल भी हो जाता है। उमर भाई इसकी वारंटी वगैरह होती है कोई? नहीं इसकी वारंटी नहीं होती, इसकी चेक वारंटी होती है, लेकिन ये खराब नहीं होता, सिर्फ आप बिजली में ना लगाएं। उमर भाई अगर इसको रात को चलाया जाए तो ये सप्लाई के साथ चल जाएगा? जी बिल्कुल, सप्लाई के साथ और बिजली के साथ चल सकता है। उमर भाई ने आपको इसका भी रेट बता दिया कितने में हमें मिलने वाला है। नाजरीन अगर हम चाहते तो आपको नजदीक ही सोलर पैनल के रख के पंखे चला के दिखा सकते थे, हमने ये थोड़ा से वायर लंबी डालने का ये मकसद था कि आप छत के ऊपर से जब लेके आएंगे तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी लगाए अच्छा चलेगा। और इसके अलावा हमारे पास ये स्टैंड भी है, इसके वायर सोलर के स्टैंड भी हैं,
इसमें ये 18 इंच 20 इंच 22 इंच का पंखा भी है, वो सीलिंग फैन भी है पीछे। हमारे पास हर चीज वैरायटी मौजूद है जी अब्दुल्ला भाई। इसके अलावा हमारे पास डीसी कूलर है जो आगे गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में ये ठंडा मजा। अच्छा उमर भाई ये भी 12 वोल्ट पे चलेगा? ये भी 12 वोल्ट में है बिल्कुल, ये एक प्लेट के ऊपर ऐसे चलेगा जैसे बिजली वाला कूलर चल रहा है। अच्छा माशाल्लाह जी बिल्कुल। और ये मूवेबल भी है बिल्कुल। अच्छा ऑटोमेटिक है जी? बिल्कुल मूवेबल भी है। इसमें नई ब्लिनो की हमने स्पेशल मोटर अपनी लगवाई हुई है कॉपर वाली, ठीक है, एनर्जी लिंक की मोटर है और ये बहुत ही कामयाब चीज है। और ये ऊपर से आइस बॉक्स भी है। ये देखे जी 12 वोल्ट के अंदर आप एसी का मजा ले सकते हैं जी। उमर भाई ये हमने सोलर पैनल अभी दिखाया है, इसके ऊपर दो आसानी से चल जाएंगे? ये उम्मीद है दो चल जाएंगे, हमने अभी प्रैक्टिकल तो नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन ये एक तो कंफर्म है। एक तो ऐसे चलेगा कि यानी कि जब सूरज हल्की सी आसमानों पर रोशनी निकलती है थ्रू होता है उससे, आप समझ लें मगरब से पहले तक चलता रहे इंशाल्लाह। उमर भाई थोड़ा सा इनका रेट बताया जाए उसके बाद चला गया थोड़े से जी। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई ये 9000 में मिलने वाला आपको, ये हमने स्पेशल कॉपर की मोटर लगा के लगाया हुआ है। इसके रेट की चेंजिंग हो सकती है लेकिन मौजूदा रेट इसका 9000 है। इसके साथ डब्बा पैकिंग भी है जैसे आपने देखा था वो खुला है वैसे है। और ये प्योर बॉडी में बने हुए हैं, 12 वोल्ट में है, सप्लाई लगा के ये 220 भी चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे ज्यादा इनका फायदा ये है जी, इसके साथ किसी किस्म की MPPT या किसी किस्म का कंट्रोलर नहीं लगाना आपने। ये देखें ये हमने एक कूलर ऑन कर दिया अब्दुल्ला भाई, ये देखें जी ये आपके सामने चला के दिखा, इसकी स्पीड आप देख सकते हैं इसमें। ये इसके साथ हमने ये दूसरा ऑन कर दिया, ये दोनों की स्पीड। और ये तकरीबन 4:15 का टाइम है जब हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, आप ये टाइम भी दिखा सकते हैं 4 बजे से ऊपर होगा। और ये हमने इसके साथ इसके पंप भी चला दिए हैं, ये अगर आप इनके गूंज देखते हो ये देखें जी साथ साथ पंप भी चल रहे हैं और लाइव आपको एक सोलर पैनल के ऊपर दो पंप भी चला के दिखा रहे हैं। ये जापान सोलर के नाम से है, 325 वाट का इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है जनाब, और ये कमाल की चीज है, जबरदस्तरीन चीज है। लाइव दिखाने का मकसद बिल्कुल ये कमाल, ये हमने प्रैक्टिकल करने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस आए। जो लोग कहते हैं जी हमारी पेड़ी नहीं चलाती या मिसाल जी ये तो हो नहीं सकता, तो हमने प्रैक्टिकल इसीलिए दिखाया। बल्कि ये भाई अपना अगर दिखाना चाहे तो ये वायर के साथ साथ जाएं और ये बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं कि ये सीधी वो सोलर प्लेट एक बगैर किसी स्टैंड के या डायरेक्शन के सिर्फ बाइक के ऊपर वो लड़का लेके वायर बैठा हुआ है जिसके ऊपर हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये देखें ये आप देख सकते हैं हमने इधर से ये वायर लगाई थी, ये देखें ठीक है, बगैर किसी कंट्रोलर के और MPPT के और बैटरी के दो हमने आपको चला के दिखा दी है जी कूलर, और इसके साथ साथ तीन पंखे चला के दिखा दिया। नाज़रीन उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उमर भाई के लिए लाइक कर दिया करें जी, नाज़रीन के लिए मोहब्बत करते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी करते हैं और जो रेट पूरे पाकिस्तान से लेस बताया जाता है इंशाल्लाह जितनी भी क्वांटिटी के अंदर हमें चीज़ें पड़ी होती हैं हम उसी रेट के ऊपर ही चलते हैं जी जो आपको वीडियो के अंदर बता देते हैं। बाद में ऐसे नहीं होता है कि दुकानदार जैसे करते हैं जी, ऐसे थोड़ी सी तेज़ी आई तो रेट बढ़ा दिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।